क्योंकि सपा का अपना कोई वजूद नहीं है। ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। भाजपा के पास भी अपना कोई वोट नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, एक आदमी डूब रहा है। देखो 20 दिन में हिलाया था, 6 महीना पहले से चालू हो जाएंगे और इनको पूरा धो देंगे। तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ, मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था। आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि और माननीय काशीराम जी का अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है वो है माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी। आज के आयोजन के विषय में बताएं सर, चौहान विशाल जनसभा जो आयोजित की गई है उसके आयोजन से आगामी जो चुनाव लोकसभा के उसमें क्या परिणाम आने वाले, क्या फर्क पड़ने वाला? एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की गोष्ठी है, एक तरीके की एक ऐसी मीटिंग है जहाँ हमारे चौहान समाज के भाई या OBC समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के भाई इकट्ठा हो करके ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने हितों की कैसे हम लोग एकजुट होकर के रक्षा करते हैं, कर सकते हैं। और चूंकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है, इसी की बुनियाद पर ये पार्टी इसी विचारधारा पर चलती है, इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पे, हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं अपना कि सबको एकजुट होकर के। हम तो कहते हैं कि चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने OBC समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, SC समाज के भाइयों को और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पर या शिक्षा के आधार पर या आर्थिक आधार पर पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी इसका एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ, मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था, मैं एक जीता हुआ कैंडिडेट था, मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं ना कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि अब संघर्ष कर रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं, अरे भाई जो पार्टी प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन में हम 30% वोट पाए हैं, आप उस पार्टी को कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आखिर मजबूत कौन है? बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, सपा का स्पष्ट आरोप है कि इसीलिए लड़ाया गया ताकि भाजपा को फायदा पहुँचाया जा सके। अरे भैया हम न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता हम लोगों का अपना एक एक जो फैसले होते हैं वक्त बेवक्त अपनी पार्टी के हित को देख करके हमारी पार्टी में क्या इंटरेस्ट में है उस वक्त ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है एक 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 कस्टम बना कि भाई नहीं लड़ना है, लेकिन अगर हमें आज ये लगता है, हम नगर पालिका भी नहीं लड़ते थे संबल पे, आज हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक में भैया हैं, अगर हमें ये लगता है तो बहुत सी पार्टियां टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिव्यू करती हैं। आप एक बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल हो हर समय अपनी रणनीति को चेंज करता है, रिव्यू करता है कि मैंने जो आज ये रणनीति बनाई थी कल उसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसी क्रम में हम लोग भी करते रहते हैं। कड़ी में एक बात और कही जा रही है कि भाजपा ने 22 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का आधा वोट जो है अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया, बाकी बचा है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से एक तरफ लोहिया का समाजवाद और एक तरफ से माननीय काशीराम का नाम लेकर के जो बाकी बचे वोट हैं उसको अपनी तरफ शिफ्ट करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है, 24 के इलेक्शन को लेकर के क्या स्ट्रेटजी? अब हम ये कहेंगे इसके जवाब में कि हमने सपा क्या 65-70% वोट अपने पास कर लिया है, क्योंकि सपा का अपना कोई वजूद नहीं है। पहले मैंने सपा से इसलिए शुरू किया कि उनका अपना कोई बेस वोट नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी आबादी ही 8% है जिसको मूल वोट कहते हैं,
उसमें 3-4% वैसे ही भाजपा को वोट करते हैं, 5% वोट लेके चलते हैं, और माइनॉरिटी ज़रूर उनको वोट करती थी। वो हम लोगों ने लड़के दिखाया और पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को भी ये लगता है कि अगर हमारे हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, वो है माननीय बहन जी। अब दूसरे पे आता हूँ, जो दूसरे दल का आपने नाम लिया बीजेपी का, उनका भी काम हम लोग करने में लगे हुए हैं, उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। भाजपा के पास भी अपना कोई वोट नहीं है, ये हमारे अगर ओबीसी भाई हट जाएं तो आप इसी प्रदेश में जहां वो 70 सीटें जीतते हैं ना, 7 सीट नहीं जीत सकते। ये तो हमारा ओबीसी भाई है जो राजा बनाता है और राजा बनने के बाद अपने हक और हिस्से के लिए बेचारा स्ट्रगल करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं भर्ती को लेकर के, हर जगह वायलेशन हो रहा है और हक किसका हड़पा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हक किसी का हड़पा जा रहा है तो बैकवर्ड भाइयों का, ओबीसी का, एससी का। माइनॉरिटी भी हो सकती है मगर वो तो जिसको कहते हैं ना, वो वाकई में माइनॉरिटी में बहुत कम है, मेजर सफरर ये। तो हम तो इसी में, इसी अभियान में लगे हैं कि इनको घूम घूम करके, हम जो यहाँ हम रोज़ा रखे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैं लखनऊ में था, मुझे जब यहाँ पे बताया गया तो मैंने कहा चलो यार, अगर एक विचार गोष्ठी है और वो भी समाज के उस तबके की विचार गोष्ठी है जो पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, हम लोगों को और उसी का हक मारा जा रहा है, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आप जानते हैं आई एम नॉट ए प्योर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर फर्स्ट, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ उसी नाते आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सारे पिछड़े, दलित, महादलित सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, इस संभावना पर क्या सोचते हैं? तो इसमें कौन सी अचंभे वाली बात है, कौन सी अचंभे? चार बार जो जिन्होंने इस प्रदेश में शासन किया, जिसके शासन और प्रशासन की पूरी दुनिया और ज़माने ने तारीफ किया, आज भी जिनके बहुत से बनाए हुई चीज़ों की मिसाल, भर्ती बोर्ड बनाया बहन जी ने, कोई भी क्रेडिट ले उसको पूरी दुनिया में नकल किया जाता, उसकी तारीफ़ किया गया और आज भी उसी की नकल होती है। किसने बनाया था? बहन जी ने बनाया था। अच्छा, तो हाँ जमाली साहब, चुनाव के बाद आप काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, खास तौर पे अब तो 24 का निकाय भी चुनाव है। सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी ने मानवर काशीराम जी की प्रतिमा को स्थापित करके संदेश देना चाहा, उसको आप किस रूप में देते हैं? अरे भैया, ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा, एक आदमी डूब रहा है उसको लग रहा कहीं मैं इनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, उनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, इनको पकड़ लूँ। देखिए, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा और मान्यवर काशीराम जी का अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है वो है माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी है। किसी का नाम लेने, मेरे पिता का नाम कोई अपने साथ लगाने लगे, क्या उनका पुत्र हो जाएगा? आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट ए मैसेज टू द SC कम्युनिटी एंड अदर फॉलोअर्स ऑफ BSP कि भैया देखो, हम भी इनके मानने वाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो गेस्ट हाउस कांड ही ना होता। तो हम लोग उस पर नहीं बात करना चाहते हैं ना आज। आज तो ये सही मानों में मैं कहता हूँ, ये कोई प्योर राजनीतिक वो भी वो नहीं है, ये तो एक पिछड़े हमारे भाइयों का विचार गोष्ठी वो है, उसमें मैं आया हूँ। ये ज़रूर है कि हम लोग ये चाहते ज़रूर हैं, हमारी नेता भी ये चाहती हैं कि जैसे देखिए, पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी जब भी आई पावर में, कम या ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब सही हो गया होगा, मैं ऐसी बातें करने वाला नहीं हूँ, लेकिन यकीनन मैं पूरी मजबूती से इस बात को कहता हूँ कि कम या ज़्यादा समाज का हर तबका सुखी था, और स्पेशली हमारा OBC भाई, हमारा SC भाई और हम समाज के कमज़ोर तबके जितने भी थे सब सुरक्षित थे। आज उसको याद करते हैं। इस बार अकेले बहुजन समाज पार्टी उतर रही है या फिर? अरे हम अकेले ही काफ़ी हैं यार, काहे आप हमको, इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप लोग भी उनकी मदद करते हो ये कह करके, यू आर हेल्पिंग देम, कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं। अरे कमज़ोर जो होगा वो कमज़ोर लोग दौड़ते हैं, हम लोग तो खुद ही काफ़ी हैं। अभी देखो 20 दिन में हिलाया था और 2,70,000 30% पहुँच गए थे। 4 महीना हिलाएंगे, 6 महीना पहले से चालू हो जाएंगे और इनको पूरा धो देंगे, ये दोनों लोग हार जाएंगे। आप देखिए साहब, दो चीज़ें हैं कि जो इधर पूर्वांचल, खासतौर पर आजमगढ़ की बात भी कर लीजिए, तो खासतौर पर जो जातिगत आंकड़ों से खेल खेला गया, चाहे वो बसपा के माले में रहा चाहे सपा के पाले, आजकल यादव और एक तरफ मुस्लिम, खासतौर पर इनका ज़्यादा झुकाव जिस तरफ रहेगा उस तरफ से सत्ता आती रही, ये प्रमाण रहा। अब आप लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ हरी झंडी दिखा रहे हैं,
खासतौर पे अब आज चौहान समाज को लेके आप जो कि खास वोट माना जाता है ओबीसी के तरफ से कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहता है, टोटल इस पर आपका क्या कहना? देखिए, जहाँ तक आपने नाम लिया यादव भाइयों का, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन माइनॉरिटी तो वहाँ अब रहेगी नहीं, ये आप समझ लीजिए। पूरे प्रदेश में यहाँ से पूरे पछाड़ तक ये हवा चल रही है और उनको ये मालूम है कि अगर कोई सही मानों में हमारी हिफाजत कर सकता है, हमको इंसाफ दे सकता है, तो वो बहन जी है। एक बात नंबर टू, ओबीसी भाइयों को भी कहीं ना कहीं ये जो मंथन चल रहा है इसमें इसी बात पे न चर्चा हो रही कि हमारे साथ हकतल्फी हो रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, यही ना बात हो रही है इस मन से, और क्या बात हो रही है? अगर सब चल रहा होता तो इन लोगों को क्या ज़रूरत थी नोएडा और गाज़ियाबाद और वहाँ से दौड़ के इस धूप में आने की? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा बैकवर्ड भाई भी, ओबीसी भाई भी परेशान है कि हमको इस्तेमाल तो किया जाता, हमारा हक नहीं दिया जाता। और हम लोग भी ये मानते हैं कि हम लोगों के साथ भी ये ज़ातियाँ हो रही हैं, लिहाजा इसी थॉट को लेके हम भी यहाँ आए हुए हैं कि हम लोग मिल बांट करके एक ऐसा मंच बनाएं, मिल बैठ करके, जिससे हम एक मजबूत और इंसाफ करने वाली सरकार बना सकें। ओम प्रकाश राजभर वाला रह गया? नहीं, अब उसके बारे में देखो, वो हमारे नेतृत्व के फैसले होते हैं ना, उसके लिए हम लोग ऑथराइज नहीं हैं उस बारे में बात करने। अच्छी बात है, वो अगर ये कह रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, बहन जी इस लायक हैं, उनको तो खुद ही आ जाना चाहिए बीएसपी में। लेकिन अब ये सब बहन जी के निर्णय होते हैं। सम्मानित साथियों।